हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। और पाकिस्तान की चौथी जीत यानी कि इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, उसके बाद नामीबिया। ओके, नामीबिया की भी वाट लगा दी है। तो ये नॉन स्टॉप चौथी जीत पाकिस्तान की हो चुकी है और शानदार जीत थी, बढ़िया जीत थी, बढ़िया गेम था, बढ़िया खेल था और कमाल कर दिया। पार्टनरशिप अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, कुछ लोगों की फॉर्म वापस आई, तो बहुत सही और पॉजिटिव मैच रहा है कल का पाकिस्तान के लिए। मतलब नॉन स्टॉप चौथी वर्ल्ड कप में जीत, कमाल की बात है। अब वक्त है मीम्स देखने का, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया के मीम्स देखने का। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे मीम्स बने हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मैच से 5 दिन पहले, 5 days बिफोर पाकिस्तान नामीबिया, सर्चिंग बैड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड नामीबिया। ओके, फैन ढूंढ रहे हैं कि सबसे बदला ले लिया है, अब नामीबिया से क्या दुश्मनी है। इंडिया को चाहे नामीबिया को, आखिर क्या। नो 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 नो, पाकिस्तान पाकिस्तान एवरीथिंग डील कैंसिल। ऐसा हुआ था सच में, एलिफेंट की डील कैंसिल हुई थी पाकिस्तान से। नहीं लगता ये नाम लगा के घूम रहे हो तू त्रिवेदी। A few inches later, inches later, during match, Namibia, बहुत सही सीन है ये। आवाज नहीं डाली है इसमें, लेकिन बहुत सही सीन था ये। मुंह देखो नामीबिया का मुंह। डैम फनी। हालत खराब कर दी थी, हालत खराब। सामान फिट किए ले, याद भी नहीं रहता तेरे को मालूम। जिसने ये मूवी देखी होगी उसको पता होगा ये सीट कैसा है। ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किया जाए, याद भी नहीं रहता। बाबर आउट, तेरे को मालूम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्लाइमैक्स क्यों नहीं दिया, क्या कर रहा है नामीबिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हाँ हाँ। जिसके बारे में बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया के मैच के दौरान इस लड़की ने गेंद को पकड़ लिया और फिर ये वापस नहीं कर रही थी। आप वीडियो देखिए और इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मतलब जितनी खुश थी मैडम, बॉल उनके हाथ में आ गई। मोहम्मद रिजवान, हफीज, दोनों ने मिल, हफीज अगेन न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान, हफीज अगेन नामीबिया। अच्छा, पहले सीधा साधा बाद में। बॉलर्स लास्ट 10 ओवर्स, सही में यार बहुत तड़ाई मचा दी थी लास्ट के ओवर्स में। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूं। बस हवा निकल गई। नहीं ना ना ना, तौबा करो ना ना। पाकिस्तानी अगर खेले जा रहा है ना ना ना, रिजवान एंड बाबर। इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान निकल के आया अंदर से। अरे अरे अरे, अफगानिस्तान भाग रहा है, तू नहीं जाएगा। सबको खत्म कर दिया और नामीबिया छुपा हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गुड बाय, गया। फिर कब मिलोगी?
T20 वर्ल्ड कप सीन। बाद मैं रितु को यहाँ भेजने वाला हूँ कारोबार संभालने, फिर अगर तुम चाहो तो इन चारों में ICC बोल रहा है, बाकी सुन रहा है पाकिस्तान। इन तीन चोरों में से जो सबसे ज्यादा मालदार और तगड़ा हो, शादी का घोड़ा उसके यहाँ पहुँचा। पाकिस्तान और अदर टीम पाकिस्तान से फाइनल कौन खेलेगा? अदर टीम बोल देगी ना नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन दिस। चार पांच हार्ट अटैक तो तीन दफा बेहोश होने के बाद मैच हमने जीता। नंबर ऑफ सिक्स इंटू 21। ओके मैं मीम्स रुक रुक के पढ़ूंगा बीच बीच में, ये वाला तो नहीं पढ़ सकता उर्दू में। ओके ये पढ़ते हैं। आई एम 23 ईयर ओल्ड एंड आई फाउंड आउट द नामी बी बिकॉज ऑफ दिस टूर्नामेंट। आई एम आई द ओनली वन? ये देखिए, दिस इज द फिफ्थ टाइम दिस फाइंड एंड पावर हेड एंड ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर 100 ओके और मोर रन इन T20 द मोस्ट by any pair in this format. Okay, what a pair. MashaAllah. Therapy is too expensive, so I watch Pakistan's T20 World Cup matches. Okay, yeh sahi tha. Boys playing without helmet, what are you expecting? But woh maine socha, Aasif bhai batting par nahi aaya, toh main Aasif bhai ban jaun. Jab upar se score hua pada ho. टीम को हफीज की कोई खास जरूरत ना हो तो हफीज बहुत डेंजरस बैट्समैन बन जाता है। सच में यार, नामीबिया बैट्समैन इन टीम मीटिंग प्लानिंग टू चूज चेज दिस टारगेट। कम से कम 30 साल का तो टाइम तो दे रहे। 30 द क्राउड वाज शटिंग, वी वांट 6 एंड रिजवान स्कोर 6। ओके एवरीथिंग इज टेम्पररी बट फॉर्म ऑफ बाबर आजम इज परमानेंट। छोटी सी टीम अगर मोहम्मद रिजवान इज अनस्टॉपेबल इन इंटरनेशनल क्रिकेट माशाल्लाह, बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। नाइस, असल मैच तो हमारे इंग्लैंड से है, 2 साल से एक मरीज ठीक नहीं हुआ हमारा। अच्छा इंग्लैंड में मरीज से भी तगड़ा बदला होगा, हाथियों का बदला लिया भाई इसमें। हाथियों की डील कैंसिल करी थी नामीबिया ने। ये भी सही मौके पे हो रहे हैं यार सब चीजें। पाकिस्तानी टीम मेकिंग इट लुक लाइक अ टफ मैच, ये है हमारा कल्चर। बस यार ज्यादा खुश ना हो, बस ऐसे हल्का सा वेरी नाइस करो, ऐसे शो करो जैसे जीत जीत के यूज तो हो गए हैं ना। रिजवान एंड बाबर दीज बेस्टीज ऑलवेज सेविंग पाकिस्तान टुगेदर। पाकिस्तान टीम अपोनेंट ट्राइंग टू विन लास्ट 10 ओवर 63, पहले 10 ओवर में 25 में 16 और लास्ट के 10 ओवर में 25 में 63। बिग वन डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर ऑफ एन ओल्ड एरियास, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ओपनर थे हेडन और बिलक्रिस्ट, जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी जोड़ी, मुझे बहुत पसंद थे, मेरे फेवरेट थे, अच्छा खेलने वाले एक हिटर था, मतलब दोनों हिटर्स थे, कमाल खेलते थे यार। पिक टू में डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर ऑफ न्यू एरा बाबर आजम और रिजवान। पाकिस्तानी फैंस फाइनली वी विल विन विदाउट एनी हार्ट अटैक मोमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है? हाउ डेयर नामीबिया कैंसिल एक्सपोर्ट एलिफेंट टू पाकिस्तान, टाइम टू टेक रिवेंज बाय नामीबिया इन नेक्स्ट मैच ऑन दी नवंबर 2nd। सारे बदले लेने हैं इस दफा। बदले लिए जा रहे हैं भाई। 4 matches 4 wins अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल। कॉन्ग्रेट्स एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। The unpredictable team went from just 6 runs in 3 overs to 189 runs in 20 overs. Yeah, unpredictable बोलते हैं लोग कि कभी भी डाउनफॉल हो जाता है पाकिस्तान का। ये पूरी की पूरी टीम पागल है रे। When you pray, rewards you. Okay, Allah से दुआ करते हैं तो मिलता है। रिजवान किंग ऑफ द नाइट
on your team and its fans. Okay, zindagi ho to aisi ho. If Allah helps, you no one can overcome you. Pakistani team right now trophy ke dar hai. Bata mujhe. Indians watching Pak versus Namibia. Pakistan versus Namibia. Today's Pakistan or Purana Pakistan? Yeah, chapik hai, hard work and determination. Backbone of Pakistan, Rizwan and Babar. Mithai baat dijiye, khushi ka mahol hai. Yes, it's for you, victory. PBM must be thinking and given elephant at this time, it would not get a target of 90% like an elephant today. About elephants and cotton in the last over. Thank you, Rizwan. Chun chun ke badla liya jayega. Finally, 4-4. Player of the match, Rizwan. Again. After seeing Namibian batting, lay Indian bowlers. Popo spotted in stadium. Pakistani uniform is a football bhi khelwa do, wo bhi jeet lenge, jeet jayenge. Tariq Khan. Log soch rahe the kuch nahi kar payegi. I love this from Rizwan. हाँ दुआ मांग रहे थे वो देखा था मैंने. वर्ल्ड कप ट्रॉफी बिलोंग्स टू माशाल्लाह. प्राउड ऑफ यू, वेल डन पाकिस्तान. वेल डन मोहम्मद रिजवान. रिजवान की काफ़ी तारीफ हो रही है. सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं, बाकी सब अपना अपना देख लें. अनदर प्रॉब्लम सॉल्व. नामीबिया कॉटन की और एलिफेंट्स की जो वो मसला था वो भी हल हो गया. सीरियल फैंस तो ऐसे ही बोल रहे हैं. ट्रांसपोर्ट पे क्रिकेट एनालिसिस. इंडिया टू नामीबिया फैंस, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे. प्राइम मिनिस्टर ने हो कॉन्ग्रेचुलेशन. ग्रीन शर्ट द फोर्थ रेजोल्यूटिव इस पे. वाह भाई वाह, क्या बात है. शाइन और रिजवान, अजीब सी मोहब्बत है इनकी सादगी और मेहनत से. पास्ट 10 डेज हैव बीन अनबिलीवेबल. यस, बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं लास्ट के जो दिन हैं पाकिस्तान के लिए. सेमीज में एंट्री कर ली भाई. जागो, टॉस जीतो, 50 मारो, मैं जीतो, केक खाओ, सो जाओ. द वर्ल्ड कप इज आवर्स. पाकिस्तानी फैंस 4-6, 4-4-2, 79 नॉट आउट. राइट, तो हमने सारे मीम्स देख लिए और वीडियो वाले जो मीम्स देखे थे बहुत ही फनी थे. वो भी वो लड़की के पीछे जाते हुए मनोज वाजपेयी एक्टर जो है उसका मुंह पकड़ के कहते हैं नामीबिया का चिढ़ाते हुए. बोल नहीं थे उसमें लेकिन नामीबिया का हालत ख़राब कर दी थी उन्होंने हाथ से पकड़ के. वो एक मूवी का सीन था. ज़बरदस्त थे मीम्स, बहुत ही ज़बरदस्त बनाए. एक वो जो मॉन्स्टर निकल कर आता है सारी टीमों को बहुत ही फनी था. उसमें नामीबिया छुप जाता है लेकिन उसकी गैस पास हो जाती है अनवांटेडली और पता चल जाता है पाकिस्तान को और उसको भी पीट देता है. तो मसले हल हो गए हैं. कॉटन ट्रेडिंग का कुछ एक्सपोर्ट बोर्ड का कुछ मसला होगा शायद. हुई होगी कभी डील कैंसिल. एलिफेंट्स की डील कैंसिल हुई थी शायद. तो उसको लेकर मीम्स भी बने हैं. लैंड भागी तो उससे कुछ ना कुछ बदला लिया था. जो भाग गई थी उसका बदला सिक्योरिटी वाला. उसके बाद अफगानिस्तान से बॉर्डर का और इंडिया से हुआ. इंडिया से तो चलता ही रहता है भाई. 36 का आंकड़ा इंडिया पाकिस्तान का. उसके अलावा एलिफेंट वाली डील फाइनल. ओवरऑल मीम्स बढ़िया थे. आपने एंजॉय किया होगा. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ. तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो और मेरा रिएक्शन कैसा लगा. अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो नए हो तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए. मज़ा लेते रहेंगे हम साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो. बाय बाय, टेक केयर. साइनिंग ऑफ.